और आज जब मैं देखता हूं कि कल उनकी तोपें खुलेंगी तो वो कहेंगे ये जलाली तो है ही खारजी, ये तो नासबी है, तो सारी तकरीर खारजियों वाली की है, तो मैं सुन के खुश हूंगा कि जो ताना मुजद्दद अल्फ़सानी को मिला था उनके गुलाम को भी मिल गया है। तीन शख्सियात ये उसूल दीन है, इसके मुसन्निफ मुहिद्दीन है, गौसे पाक आपकी किताब। आपने फरमाया कि जब सुन्नी हक बताता है तो राफजी उसको नासबी कह देता है, तो उन्हें फिर उस जमाने में यह सामना करना पड़ा था, तो उन्होंने लिखा तो फिर हमारे लिए तो यह तस्दीक हो जाएगी कि हमने सच सही बयान किया कि जो ताना बड़ों को मिला था उनके गुलामों को भी मिला है। सफा नंबर 311 पे फरमा, सुनियों को राफजी क्या नाम देते हैं, वह तुसमी हर राफिदा तो अन्नासिबिया, सुनियों को राफजी ताना देते हैं कि ये सुन्नी नहीं ये नासबी है, क्योंकि उनका घर तो तब पूरा होता है जो सुन्नी कहला के कोई सवारियां बिठा के ले जाए, तो राफजी सुन्नी को नासबी कहते हैं। और मुजद्दद अल्फ़सानी मकतूबात शरीफ के अंदर जिल्द नंबर 2 में जो दफ्तर है 6 और सफा 76 हिस्सा ششم जिल्द 2 फरमाते हैं, वह बिसियारे रा अज उलमाए किराम अहले सुन्नत के मन अज इफराते आम मोहब्बत मी नुमायन व तर ताजीम तोकीर हजरात खुलफाए सलासा मी कोशन खवारिज मी दानन के राफजी उन उलमा को जो आले बैत की मोहब्बत के साथ सहाबा की मोहब्बत का भी दरस देते हैं और सबकी ताजीम पढ़ाते हैं, तो राफजी उन्हें खारजी समझते हैं कि ये सुन्नी है ही नहीं ये खारजी है। तो चार सदियां पहले मुजद्दद साहब को हालात का सामना करना पड़ा कि जब रिफज का रद किया तो उस रद के अंदर खारजी होने का ताना मिला। और आला हजरत फाजले बरेलवी रहमहुल्लाह ताला फतावा रिजविया शरीफ की 15वीं जिल्द, इस जिल्द के अंदर आप ये इरशाद फरमाते हैं सफा नंबर 73 पर, कहते हैं आले सुन्नत को खारजी कहना राफजियों का शियार है। आले सुन्नत को क्या कहना, ये FIR तुम पे भी कटनी है क्या, तुम सारे खारजी इकट्ठे हुए थे वहां पर, तो आले सुन्नत को खारजी कहना राफजियों का सिर्फ तफजीलियों का ही नहीं राफजियों का शियार है। तो हम कहते हैं जरूर हमें कहो, लेकिन हमारे बड़ों ने तुम्हारा भी पता बता दिया है कि हमें जो खारजी कहेगा आला हज़रत के फतवे से साबित होगा कि वो खुद राफजी है। दुनिया में लगाने निकले हैं।